हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 पॉपुलर मेथड्स इंटरमिटेंट फास्टिंग के। सो अगर अभी तक आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसमें क्या खाना होता है, कब खाना होता है, अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल भी थोड़ी नॉलेज नहीं है, तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है अपनी। पहले आई बटन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आप बेसिकली 16:8 की रेशियो में आप खाते हो। 16 और आप फास्टिंग करते हो, 8 और आप जो मील जो है कंज्यूम करते हो। बट क्या आपने सोचा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग रोज़ कर करके इंसान बोर हो जाता है काफ़ी जल्दी, क्योंकि अगर कोई भी काम हम रेगुलर सेम करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बोर हो जाएंगे। उसी के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि इसमें डिफरेंट मेथड्स मैं आपको बताऊँगा, सेम इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिजल्ट आएंगे, बट इसको आप ज़्यादा देर तक फॉलो कर सकते हो और आप बोर भी नहीं होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो जैसे कि आपको फर्स्ट मेथड सबको पता है, 16:8, इसको हम बोलते हैं जो मेन मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। 16 और आपको क्या करना होता है, फास्टिंग करनी होती है, और 8 और जो विंडो पीरियड हम जिसको बोलते हैं उसमें आपको मील कंज्यूम करनी होती है। ड्यूरिंग 16 और आपको क्या करना होता है, बिल्कुल कुछ नहीं खाना होता है, सिर्फ कॉफ़ी, ग्रीन टी एंड वाटर कंज्यूम करना होता है। एंड जो आपका 8 आवर का विंडो पीरियड होता है उसमें आप अपने जो मील्स है कंज्यूम कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट पॉपुलर मेथड आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो आता है 5:2 डाइट। जी हाँ, 5:2 डाइट। अब 5:2 डाइट का मतलब क्या हुआ कि आप 1 वीक में 5 डेज नॉर्मली खाना खाओगे, जैसे आप नॉर्मली घर पे खाना खाते हो वैसे ही खाओगे, बट 2 दिन आप फास्टिंग करोगे। और वो फास्टिंग कैसे होगी, जो मेल्स होंगे वो 600 कैलोरी कंज्यूम करेंगे पूरे दिन में, 600 कैलोरीज, और जो फीमेल्स होंगी वो 500 कैलोरीज। दिस इज़ 5:2 डाइट। मैं यहाँ पे पिक भी दे दूँगा, सो वहाँ पे देख लेना और इसको अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लेना। आपको हफ्ते में क्या करना है, 5 दिन नॉर्मली खाना है जैसे भी आप खाते हैं, और 2 दिन फास्ट करना है, और 2 दिन जो फास्ट करोगे उसमें मेल्स को 600 कैलोरी और फीमेल को 500 कैलोरी कंज्यूम करनी है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट मेथड आता है आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ईट स्टॉप एंड ईट। जी हाँ, ईट स्टॉप ईट। इसमें आप क्या करते हैं, वीक में 1 या 2 बार 24 आवर का फास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मंडे रात को 7 o'clock डिनर कर लिया है, तो आपको ट्यूसडे 7 PM इवनिंग तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। दिस इज 24 आवर फास्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ईट स्टॉप एंड ईट। दोबारा से, अगर आपने मंडे को 7 PM डिनर कर लिया है, तो आपको नेक्स्ट डे 7 PM तक कुछ भी नहीं खाना है, और ड्यूरिंग दीज 24 आवर आप सिर्फ वाटर, जीरो कैलोरी बेवरेज जैसे कि डाइट कोक होती है वो कंज्यूम कर सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी एंड ग्रीन टी। दिस इज ईट स्टॉप एंड ईट डाइट। सो द नेक्स्ट मेथड इज द ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। ऑल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़ के एक डे फास्टिंग। इसमें आप क्या करते हैं, एक दिन आप नॉर्मली खाना खाएंगे जैसे आप दिन में कंज्यूम करते हैं, बट दूसरे दिन क्या करेंगे, आप पूरा दिन फास्ट रखेंगे। फास्ट नहीं भी रखेंगे तो बिल्कुल कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल 400 कैलोरीज और 500 कैलोरीज। दिस इज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स। अगर बिगिनर्स अभी फास्टिंग ट्राई कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो वो दूसरे कुछ ट्राई कर सकते हैं, ईट स्टॉप ईट एंड 5:2, 16:8 रेशियो, बट दिस इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। सो क्या होता है ईट ऑल्टरनेट डे फास्टिंग में, एक दिन आप नॉर्मली खाओगे, उसके नेक्स्ट डे फास्ट करोगे, फिर एक दिन नॉर्मली खाओगे, फिर एक दिन दोबारा से फास्ट करोगे। बट इस फास्टिंग में क्या होता है, 400 to 500 कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हो। दिस इज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। एंड नाउ फ्रेंड्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग डाइट इन इंटरमिटेंट फास्टिंग, विच इज़ द वॉरियर डाइट। द वॉरियर डाइट, नाम से ही लग रहा है ना, द वॉरियर डाइट। सो इसमें क्या होता है, आप पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम करेंगे बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, और कुछ भी नहीं कंज्यूम करेंगे मॉर्निंग टिल इवनिंग। बट डिनर में क्या करेंगे, आप एक ह्यूज मील कंज्यूम करेंगे। दी वॉरियर डाइट क्या होती है फ्रेंड्स, दिस इज़ द मोस्ट फिजेबल डाइट, मतलब सबसे आसान डाइट जो होती है वो वॉरियर डाइट होती है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली मॉर्निंग टिल इवनिंग आपको सिर्फ फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको कंज्यूम करना है इन मॉडरेशन अमाउंट। अगर आप चाहें तो बनाना को स्किप कर सकते हैं, एंड स्वीट पोटैटो को भी स्किप कर सकते हैं, बाकी नॉर्मली आप कंज्यूम कर सकते हैं। बट रात को क्या करना है, आपको एक ह्यूज मील
कंज्यूम करनी है. दिस इज़ नोन एज द वॉरियर डाइट. सो आई होप फ्रेंड्स आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो भी मेथड्स अभी तक नहीं पता थे मैंने आपको वो सब बता दिए हैं. बट अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी डाइट के रिलेटेड तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबका आंसर फटाफट दे दूंगा आपको. सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले. थैंक यू सो मच.